इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपके जो इंस्टाग्राम पर मैसेजेस इस तरीके से ओनली सेंडिंग सेंडिंग दिखाते हैं और जा नहीं पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जब ये इस तरीके से आपको दिखाएं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जब भी इस तरीके का इशू आपके सामने फेस करने के लिए आपको मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिएगा एंड अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा, और मैं लास्ट में इसका जो है कुछ मेन इशू बताता हूँ जब ये नहीं जा पाता, ठीक है। उसके बाद आपका 100% सोल्यूशन हो जाएगा। तो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर जो है ऐप्स में जाना है, मैनेजर्स में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम, इसे खोल लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, अगर बंद मिले तो सब पर टिक करके ओके लगा देना, इंक्लूडिंग वाईफाई तक। अगर आपके डिवाइस में अलग दिखता है तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो उसे ओके कर दीजिए, फोर्स स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। ऐप परमिशंस में अलाउ कर दीजिए यहाँ पर सारी परमिशंस को। फिर यहाँ से बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए और बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए। यहाँ से आप एडिशनल सेटिंग्स में जाइए, डेट एंड टाइम पर जाइए और दोनों ऑप्शन को यहाँ पर टिक करके लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको करना है दोबारा। फिर यहाँ से बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए और यहाँ पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाइए। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो उसको स्टार्ट कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर एरोप्लेन मोड लगा लीजिए, ठीक है। जो भी एरोप्लेन जहाँ पर मोड हो आपका, वहाँ पर आप इसको लगा लीजिएगा एंड फिर बंद कर दीजिएगा हाथों आते। फिर बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए, इससे आपका इंटरनेट वगैरह बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टाग्राम को यहाँ से सर्च कर लीजिए। तो उसके बाद अगर इसमें अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है तो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले। और जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये मेनली इशू जब दिखाई देता है जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो या चल नहीं रहा हो, तब ये हमें इशू दिखाई देता है। तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, और अपडेट करने के बाद तो ये सारी सॉल्यूशन हो ही जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।